हीरा जवाहरात वाले लोग आ गए हैं, पैसे वाले लोग से मिल ले। इसको खाना ही नहीं है, डाल दूंगा अभी डस्टबिन में। I always wants to come in my vlog. Yes. So good morning guys, welcome back to another vlog. तो अभी हम उधर गए हैं गुड़गांव, जो कि हरियाणा और दिल्ली की बॉर्डर पे पड़ता है। तो हरियाणा में उधर गए, अभी हम जा रहे हैं होटल वेन्यू पे। आज से दो साल पहले, दो मिनट कैसे उधर जाते हैं भाई। आज से दो साल पहले हम दिल्ली एरो सिटी पे उतरे थे। तो गाइस अब अभी हम खड़े हैं गुरुग्राम रेलवे स्टेशन के नज़दीक ही। हाँ ये तो आई क्यों, तो नज़दीक ही खड़े हैं, चाय नाश्ता कर लिया है, अभी उबर बुक की है। हमको पहुँचना है होटल रेडिसन ब्लू प्लाजा न्यू दिल्ली पे, तो उबर आएगी अभी 102 ही मिनट में। तो अर्टिगा बुक कर दिया, अरेंजमेंट हो रहा है, टोटल 5 लोग बैठेंगे, पीछे लगेज रख रहे हैं। तो 20 ही किलोमीटर है। अच्छा, ये हरियाणा में पड़ता है कि दिल्ली में? दिल्ली। दिल्ली, अच्छा। केजरुद्दीन, केजरुद्दीन, केजरीवाल। यहाँ के रिक्शा वाले नफट है, नहीं नफट पता है ना आपको भैया, साले हटते ही नहीं है साइड पे, अनाड़ी है ना। हाँ अनाड़ी है, हमारे वहाँ के तो अच्छे, ये तो बीच में ही खड़े रह जाते हैं। देखो केजरुद्दीन का इलाका है। केजरुद्दीन कहाँ पर, कहाँ से आए आप? आप बोलो कहाँ से आए होंगे, आप बताओ कहाँ से आए हो, प्रिडिक्ट कर लो। चलो कि इधर से है, कैसे बता सकता हूँ आपकी साइड से? चलो थोड़ी देर आप बात कर लो फिर बता देना। हाँ। आपकी साइड से ही है। हमारी साइड से? हाँ। आप राजस्थान से हो ना? नहीं, हरियाणा। यहीं से लोकल? अच्छा, हम दिल्ली में जो बैठे हैं वो जहाँ से आए वहाँ से है। अच्छा, गुजरात से। पूरा गुजरात ही है यहाँ, अहमदाबाद, राजकोट, बड़ौदा। आपकी गाड़ी में गुजरात बैठा है, इतना समझ लो। दूसरी दो गाड़ियाँ ऊपर गई। मौसम कैसा है उधर अभी? मौसम यानी कौन सा? गरम वाला या? नहीं नहीं, गर्मी है। गरम गरम हैवी स्टार्ट एक तरह से ना, रूरल एरिया। रूरल एरिया, ओके समझ गया। कॉर्पोरेट ऑफिस सभी यही है दिल्ली की। हाँ, वो सब साइबर सिटी। हाँ, साइबर सिटी, दिस इज ओल्ड सिटी। हाँ हाँ, ये ओल्ड सिटी, ये रूरल है गुड़गांव। और जो यहाँ का जो टेंपल है, हाँ, ये ऑल इंडिया में फेमस है। कौन सा है? गुड़गांव शीतला माता का। शीतला माता का, ओके ओके, मतलब एक ही है पूरे पूरे इंडिया में। अच्छा अच्छा, ओके। वो यहाँ पे ओल्ड सिटी में है? हाँ, अभी रास्ते में आएगा। अच्छा अच्छा, ये सब साइबर सिटी आ गई शुरू। ओके, ये सब वी आर पासिंग फर्स्ट टाइम फ्रॉम हियर गुड़गांव सिटी। हाँ, टोटल आईटी सेक्टर है, आप देख सकते हो। 300 meters हुंडई का, नेशनल हाईवे 48। बाप रे, तो फॉरेन जीव लागे थे। Just looking like a wow. Just looking like a wow. So beautiful. So, so beautiful, elegant. So elegant. Just looking like a wow. Right onto the ramp to National Highway 48. Traffic बहुत ज़्यादा है. Traffic है अभी. Hi guys. Traffic की traffic है गुड़गांव में. ये साइड इंडिया का हमने आज देखा है। हाँ,
पहली बार आए? पहली बार आए, इतना पूरा कॉर्पोरेट हाउसेस ही है सारा का सारा। ट्रैफिक के आपाधापी में जाना था जापान और पहुंच गए रंगून। रंगून तो गोल घूमना पड़ता है चकेड़ा मार के। लोचा हो गया। ट्रैफिक में 1 ही किलोमीटर घूमना है, थोड़ा वो जीपीएस ने लोचा पार दिया इंडिया में। अपडेट करवाओ मोदी जी। अब हर ब्लॉग में मोदी जी को याद करने का। ये देखो ट्रैफिक ही ट्रैफिक है भाई। और होटल पहुंचने में हमको बहुत ही लेट हो गया है। अभी नाए और पादे कहाँ से और आगे कहाँ से। चेक इन करें या होटल में जाए या क्या करेंगे पता नहीं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, पहले मेरी किस्मत सो जाती। मैं हर वक्त यही होता है मेरे साथ, लेट हो जाता हूँ, ट्रेन छूट जाती है, छूटते छूटते बच जाती है, बैग छूट जाती है। ये देखो पहुंच गए हैं होटल रेडिसन ब्लू पे। लास्ट 5 मिनट से बाहर खड़े हैं, ट्रैफिक ही इतना है। नेक्स्ट गेट पे ही एंट्री करनी है पर ट्रैफिक ही इतना है कि हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। बैठे रहना पड़ता है गाड़ी में। ऑलरेडी वी आर बिकम लेट। चालू गाड़ी में उतर भी नहीं सकते। हाँ उतर भी नहीं सकते, ऐसा वो सामने बोर्ड पे लिखा है। नो हॉल्टिंग, नो पार्किंग, नो स्टॉपिंग। खोल के देख रहा तो क्या क्या चेक कर रहे हैं। क्या चेक? हाँ लैंगन चेक करेगा इसमें। चूतिया खाली तो फॉर्मेलिटी। सही है, बताओ क्या चेक कर सकता है सर इसमें। जिसने जो गड़बड़ करनी है तो वो इसके इतने चेक करने से क्या हो जाएगा। यहाँ पे हमारी दूसरे सूरत वाली पार्टी आ गई। सूरत वाली पार्टी आ गई, पैसे वाले लोग आ गए। अनुपम भाई, अनुपम भाई पेमेंट कर दो ना। ये हीरा जवाहरात वाले लोग आ गए हैं, पैसे वाले लोग से मिल ले। जो ये जबीर है, होटल में अभी बैठे हैं और जबीर का नंबर जो है वो प्रियंका के साथ आया। जबीर के बारे में कुछ दिखाऊंगा। ले बोल। 30 मिनट से बैठे लेकिन अभी तक चेक इन नहीं हुआ है, देखते एम्पावर में लेट पहुंचे। नाश्ता तो कर लिया होगा ना। 5-star होटल है लेकिन कुछ इतनी सर्विस नहीं है। एडिसन ब्लू, एडिसन ब्लू महिपाल दिल्ली। नाश्ता भी नहीं मिला, भूखे मिले नाश्ता भी नहीं। वो तो होटल का नियम होता है ना, 11 बजे बंद हो जाता है, 10:30 बजे। ऐसा थोड़ी होता है यार, बाहर से गेस्ट आए हो तो उसको देना पड़ता है ना। पड़ता है, आओ कभी हमारे गुजरात में। हाँ प्यार से खिलाएंगे। रात के 2 बजेंगे फिर भी आपको खाना मिल जाएगा। तार है 2-star हो या 3-star है, 3-star 1-star या फिर 1/2-star आपको मिल जाता है। 5 सितारा होटल। हमें होटल में आए हुए ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है, 12:15 हो चुके हैं। अभी तक हमें रूम अलॉट किए गए नहीं है। प्रॉब्लम हो गया है होटल में, बोल रहे हैं कि गेस्ट जब चेकआउट करेंगे तब हम देंगे रूम। अभी क्या करेंगे बोलो, बताओ। पीछे देखो कितने सारे लोग हैं, आ ही नहीं रहे, कब के वेट कर रहे हैं। ऊपर जाना है, फ्रेश होना है, नहाना है, नहाए बिना ही लंच भी बाकी है। कितना टाइम, कितना हेक्टिक शेड्यूल हो जाएगा, कैसे मैनेज करेंगे आई वी डोंट नो। देखो फिलहाल तो ये इंदौरी पोहा मिला है वो खा लेते हैं। वो बॉइल वाटर में मिक्स करना है, उसका कचरा है। हाँ उसको मिक्स कर दो, टॉपिंग्स डालो। का सबसे बेस्ट होटल है पर पता ही नहीं ये क्यों क्या कर रहा है। ये देखो पानी कैसा डाल के रखा है। ये पोहा देखो, सबसे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट पोहा जो होता है ना वो मम्मी का हाथ का बनाया ही होता है, सबसे बेस्ट पोहा। होटल की तरफ से नहीं है ये, तो इंदौरी पोहा है जो कि कंपनी की तरफ से है। इसको खाना ही नहीं है, डाल दूंगा अभी डस्टबिन में। इसको डालना किधर है? थैंक यू। तो गाइस फाइनली पौना 1 बज चुका है और हमारा चेकिंग हो चुका है। तो मेरा रूम अलॉट हुआ है नीरव भाई के साथ फ्रॉम राजकोट। तो अभी हम रूम में जा रहे हैं। लिफ्ट कहाँ चल? हर होटल में 1 ही की देते पर
हमको पर्टिकुलर की अभी दी है, नीरव भाई को जहाँ जाना है वो वहाँ जा सकते हैं, मेरे को जहाँ जाना है मैं वहाँ जा सकता हूँ। यस यस वी गॉट 370। ऐसा शाप होता है, ऐसे ही अलॉट करते हैं। अभी लिफ्ट में बैठ गए, यहाँ कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ खुल ही जाता है दरवाज़ा डायरेक्ट, और यहाँ का जो स्टाफ है हमें बहुत ही अच्छी तरह ट्रीट करता है। अरे बड़े प्यार से बात करता है। 370 रूम नंबर 370। ओके 340 का रूम है, रूम टूर करवा देता हूँ आपको पहले तो। ये है बाथरूम, हमें फ्रेश होना बाकी है अभी। टॉयलेट बाथरूम देखो पूरा, या शावर है, डायरेक्ट शावर करना है, शावर जेल दिया जा रहा है, शावर जेल है, शेविंग जेल देते हैं, ब्रश बस सब देते हैं, ब्रश करना बाकी है अपने को तो, ब्रश भी देते हैं, सब देते हैं, पूरा पैक किया देखो। और यहाँ पे मेन एरिया एक कबड़ है, टीवी भी दे है, नीरव भाई शांति से बैठ गए अपने टीवी देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं टीवी। अभी हमको दिया है फूड पैकेट तो फूड खा लेते हैं, चलो खाना खा लेते हैं पहले तो। बिरयानी बिरयानी सब दिया है हमको नीचे से, बिरयानी भाई किलो की बिरयानी दी है भाई, साथ में दही है, गुलाब जामुन है और थोड़ा सलाद है, चलो खा लेते हैं। नीरव भाई तो चालू हो गए खाने के लिए, हम भी खा लेते हैं। तो गाइज अभी हमने खाना खा लिया है, नीरव भाई हमारे नाने गए हैं, तो दिस इज़ द होम फॉर नेक्स्ट 3 डेज। तो यही है हमारा 3 दिन का घर। खाना खाने में इतना मज़ा नहीं आता है, घर का खाना ही अपने को अच्छा लगता है एकदम। तो देखो इस टाइप का शर्ट दिया है, ये शर्ट है वैन हुसैन का, और टी शर्ट दी है जो कि टी शर्ट भी है यूसीबी की, तो ये पहनना है अभी हमको और जाना है। तो गाइस फिलहाल के लिए ये ब्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तो बने रहिएगा ब्लॉग के साथ, अगला ब्लॉग कड़ाके भड़ाके वाले आने वाला है, तो बने रहिएगा। चलो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर ब्लॉग पसंद आया हो, तो मिलते हैं, बाय बाय टाटा।